हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एकमात्र रास्ता है कि एक बार और प्रयास करें। हाय फ्रेंड्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले जो हमारे अंदर इतनी स्ट्रेस होती है एग्जाम को लेके, वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमें एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। फर्स्ट स्टेप, डू नॉट लुक फॉर न्यू मटेरियल। जो भी नए नोट्स हैं, नए मटेरियल हैं पढ़ने के, उनकी तरफ देखो भी मत। ऐसा करने से आपकी स्ट्रेस और बढ़ेगी कि ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। जो आप याद कर चुके हो, आप उसी को और बेहतर अच्छे से याद कीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी, कितना रह गया, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, कुछ भी अपने क्लासमेट से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम आमतौर पे क्या करते हैं, अपने क्लासमेट को कॉल करते हैं कि यार मेरा तो इतना हो गया, तेरा कितना हो गया। ये बहुत ही गलत चीज है। इससे क्या होता है, जो चीज आपने नहीं की है, हो सकता है सामने वाले ने वो चीज कर ली, आपसे ज्यादा पढ़ चुका, तो आपके अंदर ना स्ट्रेस पैदा हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। सो ये चीजें आप अवॉइड कीजिए। जिन लोगों से आपका स्ट्रेस बढ़ता है या जिनसे बात करने पे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है एग्जामिनेशन टाइम में, उन लोगों से आप दूर रहिए, उनसे बात करना अवॉइड कीजिए। रात को ज्यादा लेट ना पढ़ें, आपको 6 to 8 hours स्लीप जरूरी है एग्जामिनेशन से एक दिन पहले। आप एक दिन पहले अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए बैठ के, कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, आपने कितना छोड़ दिया है, आपकी तैयारी कैसी है, और उनसे बात करके आपकी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपको मोटिवेट करेगी कि जितनी प्रिपरेशन है उसमें कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। जो भी आपका स्टेशनरी का सामान है, जो भी आपको चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में चाहिए एग्जाम देते टाइम, वो सारी चीज़ें आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आराम से ठंडे दिमाग से सोच के बैग में रख लीजिए, ताकि सुबह सुबह रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इतने स्ट्रेस में रहते हैं लोग और कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो वो एक और स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो हम एटलीस्ट अपनी ये स्ट्रेस, ये टेंशन तो एक दिन पहले आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ एग्जाम को। एग्जाम से एक दिन पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है, सारे ग्राफ्स रिवाइज करने हैं, सारे डायग्राम्स रिवाइज करने हैं, सारी टेबल्स रिवाइज करनी है। ये थी कुछ टिप्स। अगर ये टिप आपको अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट इट मे हेल्प मैनी नीडी वंस। वी सपोर्ट फ्री एजुकेशन। Do you?